इधर बोकारो के कुर्मीडी में बिना शादी किए बाराती वापस लौट गई। यह शादी दूल्हे द्वारा सोने के गहने लेकर नहीं आने के कारण कैंसिल हो गई। दूल्हा दुल्हन के दोनों पक्ष बालीडीह थाना पहुंच गए, जहां दोनों पक्षों ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को आवेदन दिया है। मालूम हो कि धनबाद जिले के कतरास निवासी हेमंत मिश्रा की शादी बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह निवासी पूजा कुमारी के साथ होना तय हुआ था। बारात भी 11 मार्च को कुर्मीडीह पहुंची। बाराती को खिलाने पिलाने के बाद शादी के रस्म शुरू होते ही दुल्हन को गहने चढ़ाने का काम भैसुर द्वारा शुरू हुआ। चढ़ाए गए गहने में मंगलसूत्र सिटी गोल्ड के थे, जिसे देखकर दुल्हन पक्ष हंगामा शुरू कर दिया और बवाल पड़ते ही देख दूल्हा पक्ष के बाराती भाग गए। इसके बाद दोनों पक्षों को थाना लाया गया। अब दुल्हन पूजा कुमारी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शादी करने से इनकार कर दिया है, जबकि दूल्हा हेमंत कुमार मिश्रा ने कहा कि मैं सभी शर्त मानते हुए दुल्हन को ले जाने को तैयार हूँ। हम लोग को तो ये है कि वो जैसे बोले तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बोले सही बोले, लेकिन उनका घर वाला का डिमांड बहुत था, ठीक है, इसीलिए हम बोले। बात मतलब ऐसा हुआ कि उनका घर वाला का नानी का डिमांड था कि हमको सारा सामान चाहिए, ठीक है। हाँ, उनका बोलने के मुताबिक हम जाके बात तो नहीं सुनेंगे ससुराल में, हम अपना लोन उन जो भी किया FD तोड़वा के लोन लेके अपना सारा सामान लिए, आप लोग जाके घर में देख भी सकते हैं, ठीक है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मंडप में आके नकली गहना दे के बोल रहे असली है, कल दिन हम ही को जाके लात पड़ेगा वहाँ पे, क्या बोलेंगे असली दिए थे तुमको, माँ घर जाके तुम छोड़ दिए, तो हम क्या गलत बोल रहे हैं सर, आप लोग बोलिए। पूछा गया तो बोलता पेपर घर में छोड़े हैं। उसके बाद फिर जब मेरे घर वाले लोग खिलाफ किए तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आधा नकली है और आधा सोना है, सिटी गोल्ड है और आधा सोना है, ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर बोला बोली हुआ, मम्मी बोली, मेरी मम्मी और मौसी लोग बोली सब कि ठीक है लड़की को हम लोग भेज देंगे, सामान कुछ भी नहीं भेजेंगे। तो उसमें क्या हुआ, उनका छोटा भाई तुरंत गुस्सा करके बोल रहे हैं चलो चलो हम लोग रिश्ता नहीं करेंगे, उठ के चल दिए उनका भाई को टान के, तो उनका भाई बैठे ही थे गए नहीं। अच्छा, अब जो है ये लड़का तैयार है कि आप हमारे मिश्रा है, मैं कतरास बाजार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। वो बात यूँ जरा सी हुई थी कि शादी में जो सोना वगैरह का जो पड़ता है वो हम लोग नहीं ला पाए थे, ठीक है, क्योंकि पैसा ना होने के कारण हम लोग नहीं ला पाए, जिसके कारण लोग सिटी गोल्ड का दे करके हम लोग काम चलवा रहे थे, ठीक है। तो वही कारण ये लोगों का कहना था, नहीं सोना ही चलता है, सोना ही चलता है, और वही चक्कर में लड़की उठ उठ के बवाल करने लगा पूरा परिवार उसका, ठीक है। तो हम लोग बोले ठीक है लड़की हम ही लोग का घर आएगी, पूरा हम लोग का जो है सब लड़की का है, ठीक है। अब लड़की का कहना है नहीं शादी नहीं करेगा, झूठा है तो सिटी गोल्ड काहे दिया, तो ये काहे दिया, ऐसे करके पूरा रिश्ता मतलब कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट थाने तक पहुँच गए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी भी आप लोग अगर मीडिया वाले सब मिलके कोर्ट से मिलके कोर्ट मैरिज करा के टोटल रिक्स लड़की का हम पे दे करके अगर विदा करिएगा तो हम यहाँ से खुशी खुशी लेके जाएंगे, ठीक है, इतना हम अभी भी बोल सकते हैं। और हम हाँ ये हम कबूल करते हैं कि छेका के तौर पे 10,101 रुपया दी थी लड़की, और ऊपर से हमको थोड़ा आर्थिक मदद एक्सीडेंट वगैरह के कारण आर्थिक मदद का कारण था, तो 22,000 रुपया हमको मदद की थी, तो वो हम सब